Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Why You Need Help. दोस्तों, गर्मियों में चलते चलते चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं लोगों में देखने को मिलती हैं। उम्र और आपकी शारीरिक अवस्था पर इसका अलग अलग प्रभाव हो सकता है। आज की इस वीडियो में इस विकराल गर्मी और लू से आपका बाल भी बाका ना हो पाए, उसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। आइए गर्मियों में बचाव के बारे में जानते हैं। नंबर एक, हीट स्ट्रोक के बढ़ जाते हैं मामले। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बाहर निकलना तब ज्यादा तकलीफ देह होता है जब धूप के साथ साथ हीट वेव भी चल रही हो। ऐसे में हीट स्ट्रोक यानी कि लू से डिहाइड्रेशन, डायरिया, सिर दर्द और स्किन पर घुमोरियां जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि बाहर निकलने पर थकान, सिर दर्द, हाई बीपी, उल्टी, चक्कर, कमजोरी और बेचैनी महसूस हो और साथ में प्यास भी लग रही हो तो समझ लें कि आप हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वाले हैं। बढ़ता तापमान शरीर में पानी की कमी कर देता है और अगर समय रहते ही इसका इलाज ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक और किडनी में दिक्कत की समस्या हो जाती है। नंबर दो, दोस्तों, अगर आप लू की चपेट में आ गए हैं तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाकर आराम करें, खूब सारा पानी पिए और हो सके तो नमक, चीनी और पीनी का घोल पिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस कमरे में आप आराम कर रहे हो उसे पर्दों से ढक दें, एसी या पंखे की हवा के नीचे लेटें और ठंडे पानी से नहाएं। बुखार होने पर रोगी को ठंडी खुली हवाओं में आराम करवाएं और बर्फ की पट्टी सिर पर थोड़ी थोड़ी देर में रखते रहें। और हाँ, ऐसे मौसम में बाहर जाकर एक्सरसाइज करने के बजाय इंडोर वर्कआउट जैसे योगा आप कर सकते हैं। योगा करने से पहले और उसके बाद खूब सारा पानी पिए, धूप में घर से बाहर जाने से बचें और अपना ध्यान रखें। नंबर तीन, चलिए जानते हैं किन लोगों को ज्यादा है खतरा। दोस्तों, वैसे तो गर्म हवाएं हर उम्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका असर ज्यादा तेजी से पड़ता है। चलिए जानते हैं। नंबर एक, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी होती है कमजोर। दोस्तों, बच्चों के शरीर नाजुक होते हैं और इम्यूनिटी कमजोर होती है। एडल्ट की तुलना में उनको कम पसीना आता है और मेटाबॉलिज्म ज्यादा सक्रिय होता है। यही वजह है कि हीट वेव से बड़ों की तुलना में बच्चों का शरीर जल्दी गर्म हो जाता है। अब इसके लिए क्या करें? दोपहर के समय बच्चों को बाहर ना जाने दें। कोल्ड ड्रिंक की बजाय आप नींबू पानी, ORS का घोल या मौसमी फलों का ताजा जूस पिलाएं। हल्का फुल्का खाना दें। बाहर से आने पर उसे तुरंत ठंडे AC कमरे में ना बैठने दें। नंबर दो, बुजुर्गों को हाइपरथर्मिया का खतरा। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम जवान व्यक्ति के मुकाबले काफी कमजोर होता है और वह आसानी से हाइपरथर्मिया की शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हीट स्ट्रोक, हाथों पैरों में सूजन आना, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, सिर घूमना और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो व्यक्ति का कोमा में भी जाना का असर रहता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या करें। जितना हो सके घर में रहें, साथ ही कूलर, पंखा या AC हमेशा ऑन रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बहुत ज्यादा वजन उठाने या मेहनत करने से बचें। बाहर जाते समय सिर को कवर करें। धूप में निकलने से पहले सत्तू का घोल जरूर पिएं और कच्ची प्याज खाकर निकलें। नंबर तीन, डायबिटीज के मरीज। दोस्तों, तापमान बढ़ने पर डायबिटीज के मरीजों को किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि हीट उनके शरीर को प्रभावित करती है। इसमें पेशाब का रंग गाढ़ा पीला या लाल हो जाता है। थकान, पल्स तेज होना, कमजोरी आना, मांसपेशियों में ऐंठन के अलावा हार्ट अटैक जैसा खतरा बढ़ जाता है। पहले ही किडनी की कोई बीमारी है तो वह और ज्यादा बिगड़ सकती है। क्या करें? दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर डायबिटीज नियंत्रण में रही है यानी कि कंट्रोल में नहीं है और आप लू के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने का कारण आपके अंदर मौजूद बीमारी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में नियमित रूप से अपनी दवाई लेते रहें और शुगर की जांच करवाएं। नंबर चार, गर्भवती महिलाओं को हीट स्ट्रोक की संभावना। दोस्तों, आम लोगों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को थकावट और हीट स्ट्रोक जल्द होने की आशंका रहती है क्योंकि उनके शरीर को ठंडा रहने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब उनके लिए क्या करें? खूब सारा पानी पिएं और ठंडी जगह पर रहें।
नंबर 5, दोस्तों जो लोग अपना ज्यादातर समय फील्ड वर्क में बिताते हैं वे बाहर निकलने से पहले तरल चीजें खूब पिएं, खाली पेट ना निकलें और सर को कवर करके रखें। अगर बाइक पर हैं तो सनग्लास जरूर लगाएं। पहले मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन लगाएं। अपने साथ मेडिकल बॉक्स रखें जिससे बुखार, पेट दर्द, डाइजेशन, उल्टी वगैरह से जुड़ी दवाइयां हो सके। जैसे ही आपको प्रॉब्लम हो वो दवाई लें, पर खूब सारा पानी पीते रहें। पानी नहीं पिया जाता है तो आप ग्लूकोन डी पी लें या फिर कोई फ्रूट जूस ले लें। नंबर 6, डाइट में ये चीजें लें। दोस्तों डाइटिशियन बताते हैं कि संतरा, तरबूज, अंगूर, खीरा, दही और नींबू पानी जैसी चीजें लें। खीरे और तरबूज में तकरीबन 95% तक पानी होता है। संतरे में मौजूद पोटेशियम डिहाइड्रेशन की स्थिति आने पर शरीर की मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को लू से बचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।